एमपी बोर्ड गणित में आपका एक बार फिर स्वागत है। और 9.1 में ही हम लोग 8वां क्वेश्चन अब हल कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है 10 वर्ग फाई माइनस साइन वर्ग फाई बराबर 10 वर्ग फाई इंटू साइन वर्ग फाई। तो सबसे पहले आपको एलएचएस लेना है, तो हम लिखेंगे एलएचएस लेने पर, और इसके बाद हम एलएचएस लिख लेंगे 10 वर्ग फाई माइनस साइन वर्ग फाई। इसके बाद 10 वर्ग फाई जो है, 10 का सूत्र हमें पता है साइन बटे कॉस होता है, तो 10 वर्ग फाई का हो जाएगा साइन वर्ग फाई बटे कॉस वर्ग फाई माइनस साइन वर्ग फाई। इसके बाद हम इसका इसमें एलसीएम से गुणा कर देंगे, तो इसमें जब इसका गुणा होगा तो पहले तो ये जो ऊपर लिखा है इसको हमें ज्यों का त्यों लिखना है, जो कि होगा साइन वर्ग फाई माइनस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन वर्ग फाई इंटू कॉस वर्ग फाई। और अब इसका इसमें गुणा हो चुका है चूंकि, इसलिए अब ये बटे में आ जाएगा, सबके बटे में कॉस वर्ग फाई आ जाएगा, तो हम बटे खींचेंगे और सबके बटे में लिख देंगे कॉस वर्ग फाई। इसके बाद साइन वर्ग फाई यहाँ है, साइन वर्ग फाई यहाँ है, तो हम साइन वर्ग फाई को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो हमें मिलेगा साइन वर्ग फाई, हमने उभयनिष्ठ निकाला है, तो ब्रैकेट में यहाँ से पूरा का पूरा साइन वर्ग फाई बाहर निकल चुका है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो मानेंगे हम 1। फिर उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगा देना है, साइन वर्ग फाई पूरा का पूरा बाहर निकला है यहाँ, तो यहाँ बच जाएगा कॉस वर्ग फाई, और बटे में हमें लिख देना है कॉस वर्ग फाई। तो इस तरीके से हल करना है। आगे बढ़ते हैं, साइन वर्ग फाई इसको हमें ज्यों का त्यों लिखना है, साइन वर्ग फाई, और 1 माइनस कॉस वर्ग फाई का भी होता है साइन वर्ग फाई, तो हमने इसको अलग, ये ब्रैकेट वाला है, 1 माइनस कॉस वर्ग फाई का होता है साइन वर्ग फाई। कैसे होता है, हमने ये आपको बताया है कि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है 1, तो इसका मतलब है कि यदि हमें साइन का मान चाहिए तो कॉस को उस तरफ कर दो, तो हमें मिलेगा साइन वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। तो ये आपका साइन वर्ग थीटा का मान है, 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, तो थीटा की जगह पर यदि हम फाई रख दें तो होगा 1 माइनस कॉस वर्ग फाई, यहाँ है 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, यहाँ है 1 माइनस कॉस वर्ग फाई, यानी कि दोनों ही सेम है, तो इसका आएगा साइन वर्ग फाई, तो साइन वर्ग फाई और बटे में आएगा कॉस वर्ग फाई। अब हम इसके, यदि हम इसको यहाँ से देखें तो साइन वर्ग फाई कॉस वर्ग फाई बनेगा 10 वर्ग फाई, तो ये बनेगा हमारा 10 वर्ग फाई, क्योंकि साइन बटे कॉस बनता है 10, इंटू में रह गया साइन वर्ग फाई, तो यही हमारा आर एच एस होगा। देखिए जरा, हम देखते हैं कि ये हमारा 10 वर्ग फाई इंटू साइन वर्ग फाई आर एच एस है, तो यहाँ भी 10 वर्ग फाई इंटू साइन वर्ग फाई हमारा आर एच एस है, तो हमें यहाँ लिखेंगे बराबर आर एच एस, और हम आगे लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हमारा सिद्ध हो गया, तो हम लिखेंगे सिद्ध। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग 9वां क्वेश्चन ले रहे हैं, 9.1 का ही है, सेक ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस टेन ए बराबर टेन ए इंटू सेक ए, ये हमें सिद्ध करना है, जो है टेन ए इंटू सेक ए, और जो हमें दिया गया है वो है सेक ए माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है कॉट ए प्लस टेन ए। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले आपको एल एच एस लिख लेना है, तो आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना है एल एच एस लेने पर, इसके बाद आपको पूरा एल एच एस लिख देना है, जो कि है सेक ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट, यहाँ लिख देना है कॉट ए प्लस टेन ए, ये आपका एल एच एस है। अब हमें सेक और कॉस
तो इसमें से हमें सेक का उल्टा बनाना है ताकि ये कॉस कॉस में बदल जाए पूरा ब्रैकेट। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/cos A, तो ये होता है आपका सेक। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो 1/cos A होगा सेक ए। और माइनस इसको नहीं बदलना है क्योंकि हमें पूरा ब्रैकेट कॉस में चाहिए, तो इसको नहीं बदलना है आपको। तो ये कॉस और कॉस में पूरा ब्रैकेट हो गया है। इसके बाद दूसरा जो है cot A + tan A, कॉट का सूत्र लगा देना है और टेन का, दोनों साइन कॉस में चाहिए हमें क्योंकि, तो ये अभी कॉट और टेन में है तो साइन कॉस में कैसे आएंगे? जब तक हम इनका सूत्र नहीं लगाएंगे तब तक ये साइन कॉस में नहीं आएंगे। तो कॉट का सूत्र आपने पढ़ा हुआ है और मैंने भी बताया है, cos A/sin A, मतलब कॉट जो होता है वो कॉस बटे साइन होता है और जो टेन होता है वो साइन बटे कॉस होता है, यानी कि sin A/cos A। तो ये आपका दूसरा ब्रैकेट हो गया। कहने का मतलब है जब भी ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको साइन कॉस में पूरा ब्रैकेट, दोनों के दोनों ब्रैकेट आपको साइन कॉस में ही रखना है और इनको और सरल करना है, यानी कि साइन कॉस में रख के इनको हल करना है। चूंकि ये हमें दिए गए थे सेक कॉस में और कॉट टेन में, तो हमने इनको सरल किया है साइन कॉस में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1/cos A - cos A, तो इस कॉस का गुणा इसमें हो जाएगा एलसीएम से, तो कॉस का कॉस में गुणा हो जाएगा और इसके बाद यही कॉस बटे में आ जाएगा। हम एलसीएम जानते हैं, तो हमने लिखा 1 - cos का कॉस में किया तो हो गया cos² A और बटे में आ गया, ये ज्यों का त्यों आ जाएगा cos A। इस तरीके से आपको लिख लेना है और एक बार फिर से देख लीजिए, 1/cos - cos लिखा है तो कॉस का आपको कॉस में गुणा करना है, तो ये हो जाएगा cos² A और बटे में आ जाएगा cos A। इसके बाद साइन और कॉस का एलसीएम sin × cos दोनों ही आएगा क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं, तो sin × cos आ जाएगा cos A। इसके बाद साइन का भाग इसमें जाएगा तो साइन और साइन तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या cos A, cos A का गुणा cos A में होगा तो cos² A। यदि आपको ये वाली विधि समझ में नहीं आती है तो सिंपल सा मेथड है, ये दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को मैंने नीचे लिख दिया sin A × cos A। इसके बाद cos A का गुणा cos A में कर दीजिए, sin A का गुणा sin A में कर दीजिए। तो cos का गुणा cos में करेंगे तो आएगा cos² A, प्लस लगा है तो प्लस, और साइन का गुणा साइन में कीजिए तो आएगा sin² A। इस तरीके से ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, 1 - cos² A को हम लिख सकते हैं sin² A। सर्वसमीका हमने पढ़ी हुई है, आपको थोड़ा सा सर्वसमीकाओं को दोहरा लेना है तभी आपको ये बनेंगे, बटे में आएगा cos A। और ब्रैकेट यदि हम हटा देते हैं तो बनेगा गुणा का चिन्ह, cos² sin² बनेगा 1 और sin A × cos A। इसके बाद हम sin² φ, यहाँ साइन है यहाँ ए, तो सॉरी sin² यहाँ है ए और यहाँ है sin A, तो एक साइन कैंसिल हो सकता है तो यहाँ बचेगा sin A। तो हम यहाँ लिखेंगे sin A बटे में लिखेंगे cos A × 1/cos A। तो इसके बाद sin A / cos A ये बनेगा आपका tan A और ये बन जाएगा 1/cos A sec A, क्योंकि sin / cos होता है tan और 1/cos होता है sec। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो आप लिखेंगे RHS और बाद में लिख देना है LHS = RHS और ये आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हल करेंगे।